ये जो दो लिप्स के दरमियान जो गोश का टुकड़ा है ना, ये जो जबान है आपकी, या इससे आप ग्रेटेस्ट रैंक रीच कर सकते हैं या इससे आप लोएस्ट ऑफ रैंक रीच कर सकते हैं, या आप बेस्ट हो जाते हैं या आप मोस्ट ईवल मशहूर हो जाते हैं, या ये आपके लिए बेहतरीन आउटकम लेकर आती है या ये आपके लिए बदतरीन आउटकम लेकर आती है। अगर तो आपके आइडियाज़ वो रैपिस्ट हैं जो रैप करते हैं और वो लोग हैं जो हर वक्त कर्स भी कर रहे हैं, स्वेरिंग भी कर रहे हैं, तो फिर आप भी ऐसे बनेंगे, फिर ठीक है। दावा हम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और सुन्ना उनकी एक भी हम फॉलो नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल उनका हम बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं, अडॉप्ट ही नहीं करते हैं, और ख्वाहिश हम ये करते हैं कि क्यामत वाले दिन हम उनके साथ भी हों, क्यामत वाले दिन हमें उनकी सिफारिश भी मिले। किस चीज़ की सिफारिश? बिल्कुल आपने सुन्नत को पसे पर्दा कर दिया है, फॉलो ही नहीं करना चाहते, इम्प्रेस भी नहीं है सुन्ना से। हमें कौन लोग इम्प्रेस करते हैं? वो जलील लोग, जलील से हम मुराद है ह्यूमिलिएटेड लोग, जो मतलब ख्याल ही नहीं करते हलाल और हराम का। तो फिर ठीक है, फिर हमारा भी यही हाल होगा। और मैं आपको बताऊँ, मेरी मजाक करने की बहुत आदत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ओवरकम दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरी मजाक करने की आदत इसलिए थी क्योंकि कंपनी ऐसी होती थी जिधर बैठना, कोई ख्याल नहीं करना जी अगला कौन है, किसी की फॉल्ट फाइंड कर ली, कोई छोटे कद वाला आया, एक ऐसा कोई बंदा आया जिसको कोई मजाक हम कर सकते हैं, और बस हम शुरू हो जाते हैं। इट इज़ ओनली एट दैट टाइम ऑफ पीक आई हर्ड दिस हदीस एंड आई वॉज रियली स्केर्ड कि यार मामला इतना ख़तरनाक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली अ मैन माइट स्पीक अ वर्ड टू मेक दोज अराउंड हिम लाफ, बेशक एक बंदा एक ऐसी बात करेगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को हंसाने के लिए, येट बाई इट ही प्लंजेस फार्दर देन द स्टार ऑफ प्लेडेस। यानी ये डेप्थ बताई जा रही है कि वो हेल फायर में इतना नीचे गिर जाएगा उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की डेप्थ है। मतलब इतना सीरियस मामला कि आप हंसी मजाक में एक ऐसी बात करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल, आपने अपनी तरफ से लोगों को हंसा दिया, लेकिन उस बात की वजह से अल्लाह को वो बात इतनी बुरी लगी है, क्योंकि अल्लाह ताला इज़ लिसनिंग टू यू, दीज एंजल्स आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, इतनी बुरी वो बात लगी है कि उसकी वजह से इंसान का मकाम हेल फायर में नीचे गिर जाता है, और पैराडाइज से इंसान पैराडाइज वाले अगर अमाल कर रहा है लेकिन एक बात उसने ऐसी कर दी है जो इतनी बुरी बात है, इतनी कड़वी बात है, या इतना बुरा मजाक है, किसी के बारे में मजाक है, आप किसी को रोस्ट कर रहे हैं बैठ के, आप किसी की फॉल्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं महफिल में बैठ के, आप किसी फीमेल ऑपोजिट जेंडर को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बुहतान लगा रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, आप दूसरों के अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्कैंडल्स डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई इतना गंदा मजाक किया है किसी को डैमेज करने के लिए, या आपने किसी की फैमिली के बारे में कोई बात कर दी है, या आपने कोई ऐसा मजाक कर दिया रिमेंबर जो दीन को हिट हो रहा है, जाके अल्लाह रसूल के बारे में आपने कोई बात कर दी, एंजल्स के बारे में आपने कोई बात कर दी। मौलवियों को रोस्ट करना तो वैसे ही आजकल हमारा जो है वो पसंदीदा मशगला बन चुका है ना, मौलवियों को रोस्ट करना। तो इमेजिन कि आप सुन्नत का मजाक उड़ाएं, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, हिजाब का मजाक उड़ाएं, अल्लाह ताला को कितनी बुरी लगे वो बात कि इंसान हेल फायर में इतना डीप गिर जाए उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की डेप्थ। इसी से रिलेटेड एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि इंसान कभी कभी मुंह से ऐसी गुफ्तगू करता है कि अल्लाह ताला को वो इतनी बुरी लगती है कि अल्लाह ताला उसे पैराडाइज के रैंक से हटाकर हेल फायर के रैंक में ले जाते। यानी पैराडाइज के रैंक से हटाने का मतलब ये कि अभी तक उसके अमाल पैराडाइज वाले थे लेकिन उस बात की वजह से उसका रैंक गिर जाता है और वो हेल फायर वालों में जो है वो शुमार हो जाता है उस मोमेंट पे, उस टाइम। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू यूज दिस टूल ऑफ योर्स, हाउ यू यूज दिस टंग ऑफ योर्स।